नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हाई कोर्ट के आदेश पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में सील जुड़न छपरा आई हॉस्पिटल खुला, 1.5 वर्ष पहले हुआ था फुरवा कांड। वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल ने नगर विधायक विजेंद्र चौधरी और मेयर निर्मला साहू पर लगाए गंभीर आरोप। और श्रावणी मेले की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन, बैरिकेडिंग का कार्य हुआ शुरू। ये थी आज की सुर्खियां और खबरें विस्तार से। हाईकोर्ट के आदेश पर जुड़न छपरा स्थित आई हॉस्पिटल मजिस्ट्रेट की निगरानी में खुला, 1.5 वर्ष पूर्व अकफोरबा कांड में सील किया गया था। 1.5 साल बाद हाईकोर्ट के आदेश पर मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल का ताला मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में खोला गया। दरअसल 4 दिसंबर 2021 को मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल को सील कर दिया गया था। आई हॉस्पिटल के ओटी में संक्रमण के कारण कई लोगों की आंखें चली गई थी, जिसको चर्चित अकफोरबा कांड कहा गया था। संक्रमण फैलने के बाद जांच के बाद मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल को सिविल सर्जन के द्वारा सील करवा दिया गया था, जिसे मंगलवार को हाई कोर्ट के आदेश पर मजिस्ट्रेट महेश चंद्र की उपस्थिति में सभी सील कमरों और ओटी को खोल दिया गया है। मजिस्ट्रेट के तौर पर प्रतिनियुक्त मुशहरी बीडीओ महेश चंद्र ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश पर आज आई हॉस्पिटल के सभी सील कमरों को खोल दिया गया है। ब्रह्मपुरा थाना के एसआई नवीन कुमार ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी, जिनकी मौजूदगी में आई हॉस्पिटल के सभी सील ऑपरेशन थिएटर कार्यालय और दवा दुकान की सील आज खोल दी गई है। ये मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल थी जो वर्ष 2021 में सील हुई थी, उसका माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जो भी कुल 5 कमरा सील थे, जिसमें ओपीडी थे, डॉक्टर के बैठने का चैम्बर था और दवा दुकान सब था, सबको सील हटाया गया है मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति में। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के निदेशक दिलीप कुमार जालान ने सील खोले जाने पर खुशी जताते हुए कहा कि सिविल सर्जन से मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही आई हॉस्पिटल में एक बार फिर से गरीबों के आंखों का इलाज शुरू हो जाएगा। ताला खुला है? जी 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 जी। क्या कहेंगे अप्रैल हॉस्पिटल का खुल गया? खुशी की बात है कि अब सील 2 साल के बाद खुला है, तो खुशी की बात है। में जो गलतियाँ हुई थी, जिसके कारण सील हुई थी, वो सब अब दूर हो गई। गलतियों का तो कुछ नहीं कह सकता, अभी तो इंक्वायरी चल रहा है उसका, लेकिन पुरानी सेवा फिर बहाल की जाए। कब तक शुरू हो जाने के? सिविल सर्जन के यहाँ से परमिशन मिलने के बाद। वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल ने निगम की राजनीति पर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी और मेयर निर्मला साहू पर कई गंभीर आरोप लगाए। वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल ने नगर विधायक विजेंद्र चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नगर निगम बोर्ड की बैठक में हुई गुटबाजी बाहर आ गई है। मंगलवार को माड़ीपुर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस को संबोधित करते हुए वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल ने बताया, इस बार बोर्ड की बैठक में उन्होंने जनहित के कई मुद्दे रखे थे, लेकिन नगर विधायक विजेंद्र चौधरी के इशारा पर मेयर निर्मला साहू ने बैठक खत्म कर दी। मैं उस मुद्दे को लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि ट्रेड लाइसेंस कर्मचारियों को सातवां वेतन समेत कई बिंदुओं पर प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन प्रस्ताव की अनदेखी की गई। वहीं उन्होंने मेयर को मजबूत बताया है। उनका कहना है कि स्टैंडिंग कमेटी में 7 लोग हैं, इसमें 5 लोग नगर विधायक के ही हैं, इन्हीं के इशारे पर काम होता है। जनता उन्हें विधानसभा के लिए चुनी है, लेकिन वह विधानसभा में तो मौनी बाबा बने रहते हैं और नगर मंत्रिमंडल में खूब बोलते हैं, जबकि उनका काम विधानसभा का है। संजय केजरीवाल ने कहा कि पूरे शहर में पैम्पलेट के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि हम जितने भी मुजफ्फरपुर के 49 वार्ड के जो विकासशील जनता के दर्द को समझने वाले वार्ड पार्षद हैं हमारे, वो हम समझते हैं 20% आरक्षण तो ओबीसी को भारत सरकार देती है, अगर 10 वो यहाँ बैठा हुआ है तो यकीन मानिए 10 वो ही बहुत है, 100 पे भारी है। ताली तो उस दिन बहुत सारे बजाए जाते हैं, नजर नहीं है। वो तो देखिए अलग अलग, चूंकि आज सुबेरे से चल रहा था कि नहीं जाना है, सबको टेलीफोन करके दुहाई दी जा रही थी, तो कई पार्षद जो हैं हमारे 14 से 15 माननीय पार्षद ऐसे हैं जिन्होंने टेलीफोन करके ये कहा कि हम भैया किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हम आपके साथ हैं। तो सभी लोग साथ हैं, ऐसा नहीं है,
और हम इतना ही जानते हैं कि जो भी माननीय वार्ड पार्षद इस बार जीत के आए हैं वो सभी लोग अपने वार्ड के जनता के विकास के प्रति, उनके दर्द के प्रति काफ़ी द्रवित हैं। और सदन में आप लोगों ने देखा होगा कि मुद्दों को उठाया जाता है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य रूप से मुद्दा यही है कि हम लोगों के द्वारा राय विचार करके जो जनहित के मुद्दे लाए गए थे, ये हमारी टीम है, हमारा परिवार है, हम लोग कोई भी एजेंडा लाते हैं, कभी अजय भाई के पैड पर, कभी सोनू भाई के पैड पर, कभी इकबाल बाबू के पैड पर, कभी सनत बाबू के पैड पर, कभी अंजार बाबू के पैड पर, कभी नुरैन बाबू के पैड पर, हम लोग जैसे 15 पार्षद हम लोग यहाँ मौजूद हैं। तो हम लोग जो भी एजेंडा लाते हैं वो ये नहीं है कि हम लोग के गुट में कोई नेता है, 15 मौजूद है तो 15 नेता है। तो हम लोग जनहित के मुद्दे लाते हैं, जो जनहित के मुद्दे नगर विधायक को पसंद नहीं आते हैं, और बिचारी महापौर जो है वो अभी थोड़ा सा अभी नई है, तो उनको जो है एक सो कॉल्ड लॉ मिनिस्टर को रख के उनके कैबिनेट में विजेंदर जी जो नगर विधायक जी जो हैं उनको गुमराह करके और मतलब सारा उल्टा पुल्टा करवा रहे हैं, जबकि जो काम महापौर के द्वारा उन्होंने इन एजेंडों पे चर्चा नहीं कराई, इसके तहत उनकी अपनी कुर्सी भी जा सकती है धारा 25(5) के तहत। अपने कर्तव्य को निर्वहन करने में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से असक्षम होने पर स्पष्टीकरण आपसे मांगा जाएगा, जवाब से संतुष्टि नहीं होगी तो उनकी कुर्सी भी जा सकती है। तो हमको तो कहीं ना कहीं यही लगता है कि नगर विधायक जो हैं, मतलब एक तरफ तो दोस्ती किए हुए हैं, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं राकेश पिंटू जी का प्यार अभी दिल में है कि किसी तरह निर्मला जी महापौर से हटेंगी, क्योंकि ये लोग तो विकासशील लोग जो है पार्षद, ये लोग ऊपर तक लड़ाई लड़ेगा, ये सब जुझारू लोग है तो लड़ेगा तो कुर्सी। भाजपा के वरिष्ठ नेता देवीलाल ने मोदी सरकार के 9 वर्ष बेमिसाल कार्यक्रम के तहत जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की और कहा कि दिसंबर माह तक घर घर जाकर उनकी उपलब्धियां पहुंचाएंगे। हम लोग उनके देवीलाल भैया जी के समर्थन में हम लोग आए हुए हैं और बहुत सारी महिलाएं हमारे महिला सशक्तिकरण से आए हुए हैं, पूरे यहाँ समाज की सारी महिला और पुरुष भी आए हुए हैं और देवीलाल जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, आपको जानते हैं, वो जनता के बीच में रहे हैं और जनता जितनी भी वो कुछ भेदभाव नहीं करते हैं और सबको लेके चलते हैं, आपको जानते हैं, वो जनता के बीच में रहे हैं और जनता जितनी भी वो कुछ भेदभाव नहीं करते हैं और सबको लेके चलते हैं। जी बिल्कुल, हम लोग यहाँ सब समर्थन में ही जुटे हुए हैं, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे शहर को, हमारे क्षेत्र को एक ऐसा उम्मीदवार की ज़रूरत है जो वास्तव में धरती पर जमीन पर आकर और ज़मीनी कार्य करे और जो जनताओं के उम्मीद पे खड़ा उतरे, हमारी मांग को जो पूरी कर सके, उनके हम साथ में। देखिए, मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल, मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवकदार हूँ और मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में आप देख रहे हैं विगत 1 साल से जनसंपर्क अभियान चलाकर और मोदी सरकार की उपलब्धियाँ जनता के बीच बताने के लिए विगत आप लोगों से भी कहता रहा हूँ। भाजपा देश में मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम चला रही है, इसके तहत भाजपा नेता अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क व बैठक कर लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियों को बता रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को भाजपा नेता देवीलाल ने सरयागंज टावर स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्ष से वह अपने क्षेत्र में जनसंपर्क के माध्यम से डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों को मोदी जी की उपलब्धियों को बता रहे हैं। इसे देखते हुए भाजपा पार्टी ने पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान शुरुआत की है। वहीं उन्होंने जिले के भाजपा सांसद, विधायक और नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सभी लोग अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, किसी नेता ने भी मोदी जी के कामों में जन जन तक पहुंचाना उचित नहीं समझा। मैं भाजपा का सेवक हूं, इसलिए लगातार मोदी जी की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचा रहा हूं। उन्होंने बताया कि पंपलेट छपवाकर मोदी जी के कार्यों को बताया जा रहा है, सफाई, पढ़ाई, उज्ज्वला योजना समेत कई तरह की योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है। इस दौरान देवीलाल ने भाजपा पार्टी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस छोटे से सेवक के कामों से प्रेरित होकर पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, मोदी सरकार
के 9 साल बेमिसाल। मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवकदार हूं और मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में आप देख रहे हैं विगत 1 साल से जनसंपर्क अभियान चलाकर और मोदी सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच बताने के लिए विगत आप लोगों से भी कहता रहा हूं और जनता के बीच जाता रहा हूं। उसी का कड़ी है कि पार्टी ने इसको संज्ञान में लिया और पूरे हिंदुस्तान में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है जो लगातार चलेगा। ये तो जुलाई तक का घोषणा है लेकिन क्षेत्र इतना बड़ा है और 140 करोड़ भारतवर्ष में जनता है, उसके बीच में हमको जाना है। तो ये हम लगातार इस अभियान को, जनसंपर्क अभियान को चलाएंगे जो मोदी जी ने गरीब गुरबा शोषित वंचित मजदूर मजलूम गरीबों के बीच 9 साल जो काम किए हैं, चाहे वह सफाई का हो, पढ़ाई का हो, घर का हो, उज्ज्वला योजना हो, सारे डाटा के साथ इस में ये रखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। और ये उपलब्धि है 9 साल की जो किसी ने इसको छपवा कर जनता के बीच में नहीं गए हैं। हमारे यहाँ कितने जनप्रतिनिधि हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा के अंतर्गत, लेकिन इस तरीके से मोदी सरकार की उपलब्धि जनता के बीच में कोई नहीं बांटा है। और मैं लगातार दिसंबर 2023 तक आप देखेंगे कि मैं जनता के एक एक जनता के बीच में, या अभी तो मैं 50,000 छपा के लाया हूँ और आज प्रेस वार्ता के बाद ये जनसंपर्क अभियान हमारा मोती झील सूतापट्टी टावर इतना में आज मैं 2000 इस कार्ड को बांटूंगा। वहीं भाजपा नेता देवी लाल की समर्थन में पहुंची महिलाओं ने कहा कि देवी लाल को अगर टिकट मिलती है तो हम लोग इन्हें जीतने में जी जान लगा देंगे। समर्थन में आए हैं 9 साल के मिसाल। जी हाँ, हम लोग उनके देवी लाल भैया जी के समर्थन में हम लोग आए हुए हैं और बहुत सारी महिलाएं हमारे महिला सशक्तिकरण से आए हुए हैं। पूरे यहाँ समाज की सारी महिला और पुरुष भी आए हुए हैं और देवी लाल जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और वो समाज के लिए और हम लोग के लिए सब कुछ के लिए सब कुछ अच्छा से करते हैं। वो सारे जनता के समाज के आधी रात को भी वो बात जब सुनते हैं और सबके दुख सुख के साथी है और ऐसे को हम लोग चाहते हैं कि वो हमारे समाज में और जीते और हमारे सांसद बने। टिकट मिलेगा तो बेस्ट समाज देगा समर्थन? बिल्कुल जरूर देगा बेस्ट समाज। बेस्ट समाज के लिए बहुत कार्य करते हैं, पूरा समाज साथ में, पूरा मुजफ्फरपुर साथ में, जनता के बीच में रहे हैं और जनता जितनी भी वो कुछ भेदभाव नहीं करते हैं और सबको लेके चलते हैं। तो इसलिए देवी लाल जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं और महिला डेवलपमेंट सेंटर की मैं अध्यक्ष हूँ और मेरे बहुत सी महिलाएं जो हैं जो हमारी आई हैं और हम लोग पूरा देवी लाल जी के काम करेंगे अगर इनको उम्मीदवारी मिलेगी तो। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किए गए कार्यों को 9 साल में किस रूप में देख रही हैं आप मुस्लिम महिलाएं? देखिए हाँ, काम है तो हुआ है लेकिन जमीनी स्तर पे नहीं पहुंचा है, क्योंकि ऐसा अब अगर उम्मीदवार मिले देवी लाल जी के तरह तो जमीनी स्तर पे जाएगा, लोग जानेंगे, लोग समझेंगे, क्योंकि वो सबसे जुड़े हुए हैं। समर्थन में आए हैं देवी लाल जैसे उम्मीदवार अगर इस शहर में हैं तो उनका समर्थन आप देख सकते हैं कि कितनी महिलाएं उनके साथ हैं और पुरुष भी उनके साथ हैं और हम लोग पूरा समर्थन देते हैं। उम्मीदवारी पेश हो गई, आप समर्थन देने आए गए? जी बिल्कुल, हम लोग यहाँ सब समर्थन में ही जुटे हुए हैं क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे शहर को, हमारे क्षेत्र को एक ऐसा उम्मीदवार की ज़रूरत है जो वास्तव में धरती पर जमीन पर आकर और ज़मीनी कार्य करे और जो जनताओं के उम्मीद पे खड़ा उतरे, हमारी मांग को जो पूरी कर सके, उनके हम साथ में हैं। मैं फिल्म अभिनेत्री डॉक्टर अर्चना सिंह, साथ में राष्ट्रीय वीरांगना महिला। 3 माह के बाद बाबा गरीबनाथ मंदिर की दान पेटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में खुली। तकरीबन 5 लाख रुपए निकले जिसमें कई नोट भींगने के कारण गल चुके थे। बिहार के सुप्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर में आज दान पेटी को खोला गया। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा मजिस्ट्रेट के रूप में मुशहरी प्रखंड के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी रूपेश कुमार पांडे की प्रतिनियुक्ति की गई थी। दान पेटी के खुलते ही उसमें से नोटों के साथ साथ भारी मात्रा में सिक्के भी निकले।
वहीं कई नोट पानी में पूरी तरह भींग चुके थे। बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 महीने बाद दान पेटी को खोला गया है। मजिस्ट्रेट रुपेश कुमार पांडे ने बताया कि मंदिर में रखे कई दान पेटियों को खोला गया है तथा रुपयों की गिनती हो रही है। वहीं पानी से कई नोट गीला हो चुका है, जिसे सुखाकर आयरन कर ठीक किया जाएगा। दान पेटी से कुल 5,11,887 रुपए निकले हैं। करीब 12 बजे से आज नोटों की गिनती यहां शुरू हुई है और करीबन 5-6 घंटे लगेंगे। नोटों की गिनती करीबन 10-12 लोगों द्वारा की जा रही है, जिसमें अधिकतर सिक्के हैं और नोट भी हैं, और एक्चुअली कितना नोट है ये तो गिनती होने के उपरांत ही बताया जा सकता। सर, काफी नोट जो है पानी में गल गए हैं, उनकी क्या? क्योंकि कुछ भक्त नोट देने के साथ साथ वहाँ जलाभिषेक भी कर देते हैं, इसलिए कुछ नोटों में पानी है, जिसे सुखा करके आयरन करके विधिवत उसे ठीक करने का प्रयास किया जाए। जिले में श्रावणी मेला की तैयारी में जिला प्रशासन जुटी, बैरिकेडिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। भगवान शिव के सबसे प्रिय महाश्रावण शुरू होने में महज कुछ दिन शेष बच गए हैं। बिहार के देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ धाम में भी इसकी तैयारी को लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर अपना कार्य पूरा कर रही है। सिटी न्यूज की टीम आज सावन की तैयारी को लेकर कांवड़िया पथ के साथ जिला प्रशासन द्वारा दी जा रही कांवड़ियों की सुविधा का जायजा लिया। बाबा गरीबनाथ मंदिर से लेकर रामदयालु तक की सड़क पूरी तरह दुरुस्त दिखे। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग का कार्य शुरू हो चुका है। छोटी कल्याणी साहू रोड, प्रभा सिनेमा रोड से लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर तक सड़कों को खोदकर बैरिकेडिंग का कार्य किया जा रहा है। लेकिन इन शब्दों के बीच पिछले वर्ष कांवड़ियों के रूप में घोषित किए गए शोभराज सूट वाली गली दुरुस्त नहीं दिखी। यहां जगह जगह गड्ढे दिखे। इसके अलावा जगहों पर सड़क गंदी दिख रही थी। वार्ड 21 के पार्षद केपी पप्पू ने बताया कि पिछले वर्ष गली को कांवड़िया पथ के रूप में बनाया गया था, लेकिन इसका हाल अब पूरा है। मेरी अरमान थी कि जो नाले का नहर था, उस नहर पे मैंने कांवड़िया पथ का निर्माण करवाया। नाला नीचे है, ऊपर से सड़क बनवाया। अगल बगल के घर वाले को दुकानदारी के लिए जगह मिल गया, व्यवसायिक एरिया हो गया, लेकिन वहाँ के कुछ लोग इंटेंशनली अपने निजी स्वार्थ के लिए अभी भी कचरा फेंकते हैं और पेशाब करने का वो एक जगह बना लिए, टेम्पू लगा देते हैं, अपना गाड़ी लाके पार्किंग कर देते हैं। उसके वजह से लोग आने जाने में असुविधा होती है। कोई आदमी घेर करके अपने घर के सामने ब्रेकर बना लेते हैं, कोई घेर करके टाइल्स मार्बल लगा लेते हैं कि भाई इधर से लोग जाए नहीं, हमरे दूरा तक आए। तो ऐसी स्थिति में इस पथ का जो उपयोग चाहिए था वो नहीं हो पाया था, और इस पे 2-3 जगह से कुछ लोगों ने लोहा का जो स्लैब रखा हुआ था उसको चोरी कर लिया, उठा के गायब कर दिया, बेच लिया। उस स्थिति में हमने अभी से पास करा लिया है, अब उसमें फिर से वो बन रहा है स्लैब, और बनने के बाद पूरा लाइटिंग उटिंग हो चुका है। अब इस बार वो कांवड़िया के लिए आने जाने का मार्ग रहेगा, साफ सुथरा एकदम पूरा नया बन के चकाचक हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा हर वर्ष तैयारी को लेकर कार्य तो जरूर किए जाते हैं, लेकिन इसे प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। सावन के सोमवारी को लेकर जिला प्रशासन की जो तैयारी चल रही है वो कहीं ना कहीं ये चारों बगल जो बैरिकेड की जो व्यवस्था की जा रही है, कहीं ना कहीं ये धन उड़ाही का एक साधन है। और चूंकि 40 वर्षों से आज जितने भी कांवड़िया लोग हैं जो यहाँ आते हैं बाबा के द्वार पर, बाबा गरीबनाथ जी के द्वार पर, जितने भी कांवड़िया लोग आज, जितने भी सेवा दल के लोग और पूरे मतलब कि बोलबम समिति, ऐसे कई समिति है जो कांवड़ियों के लिए हमेशा मतलब कि उनको दर्शन कराने के लिए बैरिकेड से अलग करके व्यवस्था वो लोग करते हैं और वहाँ प्रशासन की मदद कर पहुँचवाते हैं कांवड़ियों को बाबा गरीबनाथ तक। इसमें कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग की जो व्यवस्था जो की जा रही है, ये कहीं ना कहीं धन उड़ाई की जगह है। रोड की मरम्मत की खराब व्यवस्था है, ये
साले साल रोड को खन दिया बने हुए रोड। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर, कॉल 9934753111। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो, ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाय प्लेस, कॉल अस ऑन 6087727878 एंड 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर छाता चौक मुजफ्फरपुर। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नील कमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है, और उत्तर बिहार का पहला नील कमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है, और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स दीवान पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है, और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें, इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहाँ आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे, और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है, और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है, और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0% डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है, ऑल्टो, स्विफ्ट डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्चूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स भिकनपुरा, SKMCH फ्लाईओवर के समीप, NH77 मुजफ्फरपुर। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहां UPSC, BPSC, NDA, SSC, BEd, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, IIT,
TET, IBPS, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से PG तक के सारे बुक यहां उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5-65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1 दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार रामदयालु रोड जेनिथ पेट्रोल पंप के बगल में। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9334900337 6205292317 7766974617। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मीनापुर थाना क्षेत्र की बुजुर्ग महिला अनबड़ी बेगम ने अपनी जमीन विवाद सुलझाने को लेकर SSP से लगाई गुहार। मीनापुर थाना क्षेत्र के पिपराहा निवासी अनबड़ी बेगम ने SSP को आवेदन देकर जमीनी विवाद सुलझाने की मांग की है। अनवरी बेगम का कहना है कि उनके पास 5 पुत्र है। वर्ष 2013 में पंचायत के समक्ष सभी प्रॉपर्टी का बंटवारा किया गया। इस दौरान सभी लोगों को उनका हिस्सा जमीन बांट कर दे दी गई। पंचों ने मुझे 6 कट्ठा जमीन अपने भरण पोषण के लिए दिया। हाल में मेरे 3 पुत्रों ने उस जमीन को अवैध तरीके से अपनी पत्नी के नाम करा दिए हैं, जबकि जमीन मेरे कब्जे में है। अनवरी बेगम ने बताया कि उन्होंने SSP को आवेदन देकर सारे मामले से अवगत कराया है। मांग की है कि उक्त जमीन जो अवैध तरीके से रजिस्ट्री की गई है, उसकी जांच कर 3 पुत्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या कुछ मामला के लिए मिलने आए हैं? मिलने आए हैं कि सर हमको जमीन 5 बेटा के बांट के दे दिए थे 2013 में। अब फिर झंझट देखिए कि 6 कट्ठा जमीन हमको कब्जा में, तो उन 3 अपना बीवी के नाम से चिप्स करा लिया है कोई के लेकर चलना, तो हमारा 4 कट्ठा जमीन हमारा कब्जा हमारा में होना चाहिए। लोग कब्जा कर लिया है? 3 बेटा सबीर आलम सबीर। क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि हमारा 4 कट्ठा जो जिबरी है हमारा कब्जा में रखेंगे। हमारा 5 लोग दिए हुए हैं, 5ों के देने के बाद में कि हम उसे हम अपना दावा बीरो करें या कुछ करें। अच्छा, तो अभी किससे मिलने आए हैं यहाँ पर? SP साहब से। क्या नाम हुआ आपका? अनवरी बेगम। थाना मीना सर, मामला ये है कि 2013 में बंटवारा हुआ था, जिसमें 5ों भाई के राजमंदी से बंटवारा हुआ था, जिसमें से सब बंटवारा करने के बाद में 6 कट्ठा माँ को जीवनी में दिया गया था, तो वो ना कब्जा ही लोग कर लिए हुआ 3 भाई, और अपने अपने बीवी के नाम पर लिख दिया किसी और औरत को खड़ा करके, तो यही मामला है जमीनी विवाद का है। अभी कहाँ है अभी? जी अभी कहाँ मिल रहे हैं? अभी SP साहब लगाए थे। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि इस पर थोड़ा जाँच हो और सही से प्रक्रिया हो और न्याय मिले। आप कौन हैं इनके? मैं इनका छोटा लड़का हूँ। क्या नाम है? मोहम्मद तनवीर आलम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी देश में मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम चला रही है। इसी के तहत मंगलवार को विदेश से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा बूथ कमेटी से सीधा संवाद किया। मोदी जी की बातें सुनने के लिए साहू पोखर स्थित भाजपा नेता प्रभात कुमार के आवास पर कार्यक्रम रखा गया। इसमें बूथ लेवल के कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी लोगों ने बड़े ही ध्यान से मोदी जी की बातों को सुना। मोदी जी ने कार्यकर्ताओं को बताया कि इस बार आम चुनाव में 400 प्लस सीट लाना है। इसके लिए सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को मोदी जी की उपलब्धियों को बताएं। देश से लेकर विदेश तक जितने भी काम किए हैं उन सभी को लोगों तक पहुंचाइए। इसके अलावा राजद जदयू और अन्य प्रदेश में जो सरकारें हैं उनके बारे में भी बताएं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 साल सरकार के पूरा होने पे मध्य प्रदेश के भोपाल से सीधा अपने कार्यकर्ताओं से जुड़े और बूथ स्तरीय कार्यकर्ता को सीधा प्रसारण करके संबोधित किया। उन्होंने बताया कि पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसके लिए मेरा बूथ सबसे मजबूत
होना कैसे चाहिए और हमको अपने बूथ पे किस तरह से काम करके पार्टी को और आगे बढ़ाना। भाजपा के 9 वर्ष पूरा होने पर 9 साल बेमिसाल के तहत आज प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश से लौटने के बाद देश के लगभग 1 लाख बूथों के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद मध्य प्रदेश के भोपाल से किया और उन्होंने बताया कि जब तक हमारा बूथ मजबूत नहीं होगा तब तक हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और उन्होंने देश भर के 9 सवाल के जरिए एक एक कार्यकर्ताओं का बहुत ही सूझबूझ से किस प्रकार RJD जात पात करके जदयू जात पात करके तमिलनाडु और अन्य प्रदेशों में जात पात और घोटाला करके सरकारें कैसे चल रही हैं ये इसको घर घर जाके बताना है। और 9 साल की क्या उपलब्धियां रहीं मोदी सरकार का देश से लेके विदेश तक, इसकी भी मोदी जी ने विस्तृत जानकारी दी। साथ ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने भी बड़ी बारीकी से एक एक कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया कि आप एक एक बूथ को जब तक आप अपना बूथ मजबूत नहीं कर सकते हैं तब तक आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत आज इस कार्यक्रम को आज देश भर के पूरे देश भर से लगभग 501 लोकसभा से लोग भोपाल में शामिल हुए थे जो अल्पकालीन विस्तारक बनकर अभी से लेके 2024। आज के लिए बस इतना ही है, मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगी शहर के कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।